हमारे साथ जुड़ चुके हैं किरण जाधव जी ने बहुत ही सही समय पर कहा था शेयर खरीदिए। तो पहले तो किरण जी बधाई बढ़िया कॉल देने के लिए, और बताइए इस समय मार्केट में जो तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे? थैंक यू हेमंत जी। देखिए मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में और भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और हायर हाइज देखने को मिलेंगे। 11370 11400 ये कंजेशन जोन होगा जहां पे थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी। इसको पार करना बहुत आसान नहीं होगा, पर जो लॉन्ग पोजिशन है 11290 के पोजिशनल स्टॉप लॉसेज रहेंगे और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अभी 11310 पे आ गया है। तो मेरा मानना है कि ये लेवल्स देख के चलना चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और कोई स्टॉक अगर आपने ढूंढा हो बजाज फाइनेंस फिनसर्व जैसा जहां पर हमारे दर्शकों का पैसा बने तो बताइए। अभी जो लेने जैसा काउंटर है वो हीरो मोटोकॉर्प है। ऐसा लग नहीं रहा था चार्ट्स पे कि इधर इतनी अच्छी मूव आएगी, कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर था, पर आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स है और जो गैप से खुला है, कल नीचे के निचले स्तरों पे क्लोज हुआ था और आज गैप से खुला और वो 30-40 पॉइंट की जो गैप थी उसने कभी भरी नहीं और कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो काफी स्ट्रांग है, ऑप्शन चेन डेटा भी स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि हीरो मोटो में बाय करके चलना चाहिए। 2575 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2630 के पहले टारगेट और दूसरे टारगेट सोमवार के लिए 2680 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको हीरो मोटो में देखने को मिलेगी। बहुत शॉर्ट पोजीशन है, पिछले करीबन 6-8 महीने से कंसिस्टेंटली शॉर्ट पोजीशन है। आज इस पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट पोजीशन ही नहीं कवर हो रहे पर और फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल रही है। ये पहला काउंटर। दूसरा काउंटर रहेगा पिरामल एंटरप्राइजेस, ये भी ऐसा ही काउंटर है। कंसिस्टेंटली हमने 2710 से लेके 2000 तक करीबन 2000 तक एक वर्टिकल फॉल देखा और ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया है और मेरा मानना है कि छोटी सी रिस्क है वो लेके लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा, आज के लिए टारगेट 2100-2115 के देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल आपका आज तो फ्राइडे भी है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, इधर से पुलबैक मेरा मानना है चार्ट के हिसाब से अभी तो पुलबैक है, नई तेजी देखने को नहीं मिल रही है, पर फिर भी ये पुलबैक काफी अच्छा देखने को मिल जाना चाहिए। पहले टारगेट्स 1300-1310 के देखने को मिल जाने चाहिए, इधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। और अभी लॉन्ग पोजीशंस अगर कोई क्रिएट करता है या किया हुआ है तो उसके लिए स्टॉप लॉसेस 1245 करेंगे, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक बात, जो शॉर्ट टर्म बेस था वो बन गया है क्योंकि इसने कल भी एक अप मूव दिखाना शुरू किया, बड़ी गिरावट देखने को मिली नतीजों के बाद से, उसके बाद अभी उछल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? हेमंत जी आपने अभी एक मिनट पहले कंजम्पशन थीम पे बात की और उसमें ही एक काउंटर आ रहा है, आइशर पे एक मिनट बाद जाऊंगा, पर अभी जो लेने जैसे कंजम्पशन थीम पे है वो है बाटा। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 1353 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1363 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि बाटा 1380 के टारगेट्स आज ही लेता नजर आएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, पहले टारगेट्स 1830। अभी आइशर मोटर पे बात कर रहे थे, आइशर मोटर पे मेरा मानना है कि एक बार बेस बन गया ऐसा लग रहा है, बहुत शॉर्ट पोजीशंस थी और जिस तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था 19,000 के नीचे, तो वो ट्रैप हो चुके हैं और जैसे ही ट्रैप होता है तो एक पुल बैक रैली देखने को मिलती है और ये पुल बैक मेरा मानना है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में 21300-21500 तक ये स्टॉक जा सकते हैं, इधर से 1000 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस अभी 20,200 पे रखना चाहिए, करीबन 300 रुपए नीचे करंट लेवल से। सही बात है, कोटक महिंद्रा बैंक किरण जी, पर हम ये कह रहे थे कि अगर आपको इलेक्शन के आउटकम को प्ले करना है तो इस स्टॉक से प्ले कर सकते हैं और आज ये बिग बोल्ड कॉल था और देखिए वहाँ से ये किस तरह से अब भागा है, ये स्टॉक 2% की मजबूती दिखा रहा है ये शेयर कोटक महिंद्रा बैंक पर। आपके अल्टीमेट टारगेट्स क्या हैं बताइए, अगले हफ्ते 23 तारीख तक का अगर व्यू लिया जाए तो ये क्या और ऊपर जा सकता है? बहुत ऊपर जा सकता है हेमंत जी। टेक्निकली क्या हुआ है, डबल टॉप का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डबल टॉप जनरली एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न होता है जहां से नीचे आना चाहिए, तो डबल टॉप पैटर्न करीबन 1417-1420 के लेवल्स है और ये आज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से तोड़ा है, जैसे ही तोड़ा है उसके बाद इसने पीछे देखा ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब ऐसा स्टॉक कभी परफॉर्म करता है तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। तो इधर से 40-50 रुपए की रैली सोमवार मंगलवार तक ही देखने को मिल जानी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे रहना चाहिए, यानी बुल ट्रैप ना हो इसके लिए। तो 1415 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 40-50
₹10 की रैली कम से कम देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में. लॉन्ग टर्म में ये रैली बहुत बड़ी देखने को मिलती है. तो मेरा मानना है कि अगर हम महीने महीने की बात करें तो आपको और इधर से ₹200 की मूव देखने को मिल जानी चाहिए. और हैवी वेट जो आपने इस दौरान पकड़ा हो जहां आपको लगता हो तेजी और बने. नहीं नहीं अभी 10 मिनट पहले हमने बाटा का कॉल दिया था 1355 पे, 1380 के टारगेट्स दिए थे, 1376.50 लगा है. तो मेरा मानना है कि इधर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी 1365 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए.